खेत को पानी, दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना, सॉयल हेल्थ, किसानों की आमदनी दुगुनी करना तथा प्रति बूंद ज्यादा उत्पादन, इन पांचों थीम के अंतर्गत नए अनुसंधान कार्य शुरू किए गए और दो वर्षों में ही नई तकनीकी के रूप में परिणाम दिखने लगे हैं। सौर ऊर्जा एवं एकल फेज पंप द्वारा माननीय सांसदगण श्री रामनाथ ठाकुर जी, सांसद राज्यसभा श्री अजय निषाद जी, सांसद लोकसभा, यहां उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलाधिपति प्रोफेसर पीके मिश्रा जी, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर आरसी श्रीवास्तव जी, विदेश विदेशों की यात्राएं की हैं, उन सब में हमने भारत की ओर से इस पर एक कंसर्न में जाहिर किया, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आ रही थी। मुझे कुछ लोगों ने शेयर की कि अफ्रीका में एक कंट्री, कुछ एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम बताया था, उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र का एक भाग ऐसा है जहां पर ग्लोबल वार्मिंग की केवल मात्र 0.5 अर्थात एक से भी कम उसका जो ग्लोबल वार्मिंग का जो गति है, वार्मिंग का जो डिग्री है वो बढ़ा, और उसके कारण से वहां से एक इस प्रकार का बैक्टीरिया पैदा हुआ कि जो कि मल्टीप्लाई इतना फास्ट किया उसने कि शायद 4 दिन के अंदर अंदर इतना वो मल्टीप्लाई कर गया बैक्टीरिया कि वहां पर लगभग लगभग 8 से 10 हजार लोगों की बिल्कुल तुरंत उनकी हत्या हो गई। वैज्ञानिकों पर गर्व है जिन्होंने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले हमारे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। आज वे खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब कृषि उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। समस्तीपुर की इस बेहद उपजाऊ धरती पर जहां के मेहनती किसानों की अलग पहचान है, और शायद यही कारण रहा होगा जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि सन 1905 में भारत का पहला आधुनिक कृषि संस्थान इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के नाम से स्थापित हुआ था, और 1970 में वही संस्थान राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में